वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स. फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर गिविंग एट सम टाइम फ्यू मिनट्स टू लिसन माय ला इंफॉर्मेटिव चैलेंज. बेस्ट विशेस एंड प्रेज फॉर ऑल ऑफ यू. आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा हो सकता है. उससे पहले गुजारिश करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू और शेयर करें, अपने ऑनरेबल कमेंट्स से मुझे आगाह करें. तो नाज़रीन इकराम, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्ट. कानून हमें रहनुमाई फराहम करता है कि नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी हैज़ बिन वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस आर अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर असाइंस नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस for the purpose of following in his or their hands such property or the proceeds thereof shall be based by any length of time. In this section property shall be deemed to the be property vested in trust for a specific purpose and the manager of any such property shall be deemed to be the trustee thereof. To limitation act mean time limit for different suits for aggrieved persons. तो उसमें यह है कि कानून हमारी रहनुमाई करता है कि अगर कोई ट्रस्टी है किसी ट्रस्ट का या कानूनी नुमाइंदा है या मैनेजर है, वो उस ट्रस्ट के ऑनर या मालिक या वक्फ करने वाले नहीं हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर नहीं हैं, वो एक एम्प्लॉइज हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता. अंडर सेक्शन 10 इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है अगर कोई कभी ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस ट्रस्टी के ख़िलाफ़ या कानूनी नुमाइंदा मैनेजर है उसके ख़िलाफ़ केस नहीं हो सकता सिवाए उनके जो उन्होंने ख़ुद क्राइम ओमिट किया है. मीन कोई मैलिफाइड क्राइम है, ओमिशन है जो ट्रस्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो फिर तो हो सकता है, फिर उनके ख़िलाफ़ केस हो सकता है. अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, वक्फ का जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो अगर उनको कोई डायरेक्शंस देता है, उन डायरेक्शंस में वो बोनाफाइडली कोई एरर करते हैं, गलती करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाएगा. मुकदमा सिर्फ उसी वक्त होगा जब उनकी पर्सनल मैलाफाइड बदनीयती शामिल होगी उस जुर्म में, तब उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है. अगर वो ट्रस्ट या वक्फ के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और एक डायरेक्टर और बोर्ड जो है उनको गलत
काम करने के लिए कहता है और फिर वो बाद में इनकारी होता है या कोशिश करता है इनकार होने का, तो वो फिर जिसको उसने अपने एम्प्लाई, ये ट्रस्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर्स एम्प्लाइज होते हैं, उन्होंने काम अपने मालकान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे करना होता है, जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे उनके तहत उन्होंने काम करना होता है। इसलिए दे विल नॉट बी सूड अगेंस्ट देम, उनके ख़िलाफ़ केस नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ये कानूनी मालूमात होती हैं जो बाज़ कारोबारी ज़िंदगी में ऐसी हालात सिचुएशंस पैदा होती हैं और उस अग्रीव्ड या सितम रसीदा आदमी को पता नहीं होता कि उसके ख़िलाफ़ अब क्या होगा। तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि ये आम सती या मालूमात, अहम मालूमात भी आपको पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।